न्यू अपडेट्स हैं, डीपीआई कॉलेजेस ने वेबसाइट पर न्यू इन्फॉर्मेशन दी है, आपके लिए ज़रूरी है, समझ लीजिए। फर्स्ट है कि सिलेबस अपलोड हो गया है। सिलेबस क्यों अपलोड नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ दो तीन सब्जेक्ट की डिबेट थी कि उनका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, उनका सॉरी सिलेबस क्या होना चाहिए, वो आज बाद दोपहर फाइनल हो गया था, दैट इज वाई अब अपलोड हो गया है। वो सिलेबस वही है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपको पता चल जाएगा, अपना सब्जेक्ट देखिए और सब्जेक्ट में आपको मिलेगा कि यूजीसी वाला ही सिलेबस है जो सेकंड पेपर का था, सब्जेक्ट का फर्स्ट पेपर नहीं है, फिर भी आपने हर हालत में अपना सिलेबस यहाँ से देखना है। अच्छा, सिलेबस में किन के ये तीन एरो जो आ रहे हैं, जूलॉजी और बॉटनी और बायोकेमिस्ट्री, इनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, ये देख ले, बाकी अपना सिलेबस वैसे ही देखें। इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर सब्जेक्ट बॉटनी बायोकेमिस्ट्री जूलॉजी, द क्वेश्चन पेपर फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी, हाइलाइटर थोड़ा सा यूज कर ले, बॉटनी विल बी द मेनली रिलेटेड टू बॉटनी, बॉटनी का अगर फिल किया है तो सिर्फ क्वेश्चन पेपर आपके बॉटनी में से ही आएंगे। दूसरा क्वेश्चन पेपर असिस्टेंट बायोकेमिस्ट्री का है तो आपका पेपर क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री में से ही आएंगे, ठीक है। तो अगर आपका जूलॉजी का पेपर है तो आपके सारे क्वेश्चन जूलॉजी में आएंगे से ही आएंगे, आपके आपको इन सब्जेक्ट की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। इनको बॉटनी वालों को बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़नी, बॉटनी वालों को जूलॉजी नहीं पढ़नी, जूलॉजी वालों को बॉटनी नहीं पढ़नी, ओके, अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है, बैक जाएंगे यहाँ से, कहाँ हैं हम, ये रहे, ओके। तो नए इसके अलावा ये देखिए सिलेबस हो गया, रिटन टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर वेरियस सब्जेक्ट लाइब्रेरी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन पंजाब, हाँ 20 और 21 को हो रहा है, इसकी डिटेल बाद में, लेटर देखिए कब आता है लेटर। अच्छा, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डायरेक्ट टू रिटेन द प्रिंटेड कॉपी, ये बार बार कहा जा रहा है, आप जो भी अपलोड करते हो इन्फॉर्मेशन, सॉरी ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो, तो उसकी हार्ड कॉपी अपने पास जरूर रखिए। इसके अलावा क्या है, हाँ आज की बड़ी खबर जो आपको पहले मैं दे चुका हूँ पिछले वीडियो में, कि 45 ये रहा आपका मेन पॉइंट, के 37 थी एज आपकी अपर लिमिट, ये 37 से ये हो गई 45, ठीक है। ये भी है, ये जनरल कैटेगरी की 45 है, बाकी रिजर्व कैटेगरी के जो बाकी एज उनको रिलैक्सेशन है वो अकॉर्डिंगली है। फॉर एग्जांपल उनकी अगर 5 साल रिलैक्सेशन है तो उनकी 50 ईयर हो गई, ठीक। नेक्स्ट और क्या है आपका, यहाँ से करो बंद, चलो वापस। तो ये थे अपडेट्स, इसके अलावा गेस्ट फैकल्टी वालों की चिंता बनी हुई है, उनका एक अलग से वीडियो निकालता हूँ। थैंक यू।